एक दूसरे को खाना खिलाते शिव और शक्ति। हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते शिव और शक्ति। शिव और शक्ति का ये रिश्ता है अटूट। जी टीवी के सीरियल शिव शक्ति में आज शिव ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़कर चला जाएगा और अपना बैग उठाकर वो घर से बाहर निकल चुका है। ऐसे में उसके पीछे पीछे पहुंच गई है शक्ति भी, क्योंकि वो शिव को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए हर कदम पर, हर मुश्किल घड़ी में शक्ति दे रही है शिव का साथ। भाई आज तो भगवान भी शिव और शक्ति के साथ है। तभी तो जब शिव को लगती है प्यास तो हो जाती है बारिश, और जब शक्ति को लगती है भूख तो सामने दिख जाता है लंगर, जहां पर ये दोनों बैठकर खाना तो खा ही रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को भी खिला रहे हैं और चल रही है दोनों की मस्ती। देखो, जब मुझे पानी चाहिए था तो शक्ति ने प्रे किया और बारिश हो गई तो मुझे पानी मिल गया। अब शक्ति को भूख लगी है तो मैंने प्रे किया तो हमें लंगर मिल गया, मतलब भंडारा जो होता है जहाँ खाना फ्री में बांटते हैं। तो मैं और शक्ति यहाँ पर आए और साथ में बैठकर खाना एंजॉय कर रहे हैं, और मैं तो एक्चुअली मैं एंजॉय कर रहा था क्योंकि दाल चावल बहुत ही टेस्टी थे एंड आई एम अ दाल चावल काइंड ऑफ अ पर्सन। भाई किसी बात से नाराज होकर शिव घर छोड़कर आ गया है, ऐसे में शक्ति भला कैसे अपने शिव को अकेला छोड़ देगी। भाई दोनों अब बेघर हो चुके हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे में अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं। वैसे इस तपती जलती गर्मी में इन एक्टर्स के लिए शूटिंग करना है काफी मुश्किल, लेकिन फिर भी आप सभी को एंटरटेन करने के लिए ये इतनी गर्मी में भी शूटिंग करने को तैयार है। देखिए, बनारस और हमने शूट किया हुआ है बनारस में जब शो शुरू हुआ था, तो मुझे नहीं लगता बनारस और बॉम्बे में अभी कोई फर्क रह गया है गर्मी वाइज। बिकॉज भले ही टेम्परेचर यहाँ 37 है, 36-37, बट इट फील्स लाइक 43। जो हम जब गए थे शूट करने तब 42 था वहाँ पर। सो यस, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और यहाँ क्या है ना, चिपचिप हो रहा है, वहाँ क्या है ड्राई गर्मी है, तो लोग यूजुअली दोपहर में इंडोर्स ही रहते हैं या बाहर नहीं निकलते हैं। जब थोड़ा सन डाउन हो जाता है तो निकलते हैं, घाट पे होते हो तो गंगा जी है वहाँ पर तो डुबकी लगा लो, जो बहुत ही मज़ेदार है। बट आई थिंक बॉम्बे इज़ रियली रियली सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस हीट वेव एंड लॉट ऑफ पीपल आर फॉलिंग सिक। खाना जल्दी ख़राब हो रहा है, तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि फ्रेश खाना ही खाइए,
रेस्टोरेंट्स अवॉइड कीजिए, बिकॉज क्या होता है कि वो सब फ्रीजर्स में रखते हैं और आप जिसको भी आजकल मैं बात कर रहा हूँ बोल रहा है यार माई स्टमक इज अपसेट, माई स्टमक इज अपसेट, दे डोंट रियलाइज दैट इज बिकॉज ऑफ द हीट। तो भाई फिलहाल तो ये घर छोड़कर बाहर निकल पड़े हैं, अब देखना होगा कि कैसे शक्ति शिव को घर वापस चलने के लिए मनाती है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की हथकड़ी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, यानी अब तो है आप सबके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।